जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक वैकेंसी एसएससी सीजीएल की, जिसके फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी एसएससी सीजीएल का टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी फिर टायर सेकंड का एग्ज़ाम होगा, तो कितने परसेंट कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, टायर फर्स्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन कौन कैंडिडेट हैं जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आपने ये एसएससी सीजीएल वाला एग्ज़ाम दे लिया है या फिर आपका एसएससी सीजीएल का ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपने अभी तक यदि आपके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के संबंध में बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सटीक हो और सबसे पहले हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले ये जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल कितनी वैकेंसियाँ थी, मतलब टोटल कितनी सीट थी, टायर सेकंड के लिए या मेंस के एग्ज़ाम के लिए टोटल कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया गया था, मतलब कितना गुना कैंडिडेटों को टायर सेकंड के लिए क्वालिफाई किया गया था। और यहाँ पर ये जो हम वैकेंसियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो वैकेंसी हैं जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्योंकि एसएससी सीजीएल में अक्सर ये चला आ रहा है कि एग्ज़ाम से पहले वैकेंसियों को बढ़ा दिया जाता है, सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी हमने यहाँ पर उन वैकेंसियों को शामिल किया है जो नोटिफिकेशन के दौरान जारी की गई थी। देखो, 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था या वैकेंसी आई थी, 8,428 वैकेंसियाँ थी, 14 गुना कैंडिडेटों को टायर फर्स्ट में पास किया गया था, 1,25,279 कैंडिडेट थे जो मेन्स का टायर सेकेंड का एग्ज़ाम दिए थे। 2020 में जो एसएससी सीजीएल की भर्ती आई थी उसमें टोटल वैकेंसियां थी 7,108, टायर फर्स्ट में टोटल 16 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया था, मतलब 1,14,335 कैंडिडेट थे जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम दिए थे। फिर 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल वैकेंसियां थी 7,621, जिसमें 14.9 गुना कैंडिडेटों को टायर सेकंड के लिए पास किया गया था, मतलब 1,13,848 कैंडिडेट थे जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम दिए थे। फिर हम बात करते हैं 2022 वाली वैकेंसी, जिसमें टोटल वैकेंसियां थी सबसे ज़्यादा 36,001, 10.01% कैंडिडेटों को टायर सेकंड के लिए पास किया गया था, 3,60,432 कैंडिडेट थे जिन्होंने टायर सेकंड का एग्ज़ाम दिया था। यदि हम 2023 वाली भर्ती के बारे में बात करें, जिसमें टोटल 7,686 वैकेंसियां थी, 9.2 गुना कैंडिडेटों को पास किया गया था, टोटल कुल मिलाकर 71,112 कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम दिए थे टायर सेकंड वाला। यहाँ पर ये जो हम डाटा यूज़ करें बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इतने ही कैंडिडेट थे जिन्होंने टायर सेकंड का एग्ज़ाम दिया था, जिनको टायर सेकंड के लिए क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये जो गुना कैंडिडेट हैं ये हम कैलकुलेट किए हैं इन वैकेंसियों के आधार पर, लेकिन एसएससी सीजीएल में अक्सर ऐसा चला रहा है कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले वैकेंसियों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल 100% सटीक है, ऑथेंटिक है, हमने एसएससी की वेबसाइट से उठाया ये आंकड़े। ठीक है, अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 2019, 20, 21, 22 और 23 इन तीनों पांचों साल की जो कट ऑफ है इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, जो कट ऑफ है वो दो फैक्टरों के ऊपर निर्भर करती है, जिसमें पहला फैक्टर तो है कि नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कितनी हैं, और दूसरा फैक्टर है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि मैं दोनों फैक्टरों में बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि पेपर का लेवल बहुत ईजी आया, नंबर ऑफ वैकेंसियां बहुत कम थी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा चली जाएगी। यदि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, नंबर ऑफ वैकेंसियां बहुत ज़्यादा थी, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम चली जाएगी।
ठीक है। तो जो एग्जाम का लेवल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कट ऑफ को, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं कट ऑफ को। तो ओवरऑल ये दोनों फैक्टर हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। 2019 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 148 थी, ओबीसी की 136 थी, ईडब्ल्यूएस की 135 थी, एससी की 115, एसटी की 105 थी। 2020 में जनरल की 132 कट ऑफ थी, ओबीसी की 119 थी, ईडब्ल्यूएस की 109 थी, एससी की 101 थी, एसटी की 94 थी। 2021 की मैं बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 130 थी, ओबीसी की 118, ईडब्ल्यूएस की 110 थी, एससी की 95 थी, एसटी की 82 थी। यदि हम 2022 के बारे में बात करें तो जनरल की 114 थी, ओबीसी की 114 थी, ईडब्ल्यूएस की 102 थी, जो एससी की 89 थी और एसटी की 78 थी। यदि हम 2023 के बारे में बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो 150 थी, ओबीसी की 145 थी, ईडब्ल्यूएस की 143 थी और एससी की जो कट ऑफ थी वो 127 थी और एसटी की 118 थी। देखो 2022 में ये जो सबसे कम कट ऑफ गई है उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, 36,001 वैकेंसी अब तक का सीजीएल का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी जिसकी वजह से सबसे कम कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 5 साल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कट ऑफ को कितनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 साल की हम बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ तुलनात्मक रूप से कम गई है इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था एग्जाम के लेवल का, ठीक है। अब तक का जो एग्जाम का लेवल है वो सभी शिफ्टों का यदि एवरेज निकालते हैं तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। कुछ शिफ्ट थी जिनके पेपर मॉडरेट और टफ लेवल के थे, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसका पेपर बहुत टफ लेवल का आ रहा हो। एवरेज यदि निकाल कर चलते हैं तो मॉडरेट टू टफ लेवल का हम पेपर कह सकते हैं, इसलिए जो कट ऑफ है वो मॉडरेट टू टफ लेवल के बीच में ही जाने वाली है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आपका 135 प्लस हो सकता है, आप टाइट सेकंड के लिए 100% क्वालिफाई किए जाएंगे। ओबीसी वालों की 132 प्लस जा सकती है, ईडब्ल्यूएस वालों की 130 प्लस जा सकती है, एससी वालों की 120 प्लस जा सकती है, एसटी वालों की 115 प्लस जा सकती है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया है और जो बता रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर हो सकता है, इतना स्कोर हो सकता है और इतना स्कोर हो सकता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।